ये क्या बनाया वहाँ पे? अबे कैसे पहाड़ है ये देखो यार, कैसे से पहाड़ है। वाह भाई साहब, देख रहे हो भाई, पहली बार देखे ऐसे पहाड़ तो यार मैंने। अलग अलग डिजाइन बना हुआ इनका। ओ भाई वो देखो कितना सुंदर सा झरना है ना, एक नंबर लोकेशन। ओ भाई, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्पीति टूर। फिलहाल हम रुक गए थे यार यहाँ पे किन्नौर से आगे, सो वहाँ पे हमने स्टे किया था रात को। सो देन अभी 185 किलोमीटर है यार आगे स्पीति रह गया है। सो निकलना था मैं 6 बजे यार, हो गया लेट। तो मैं दिखाता हूँ बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे। तो नीचे भाई रूम है, सड़क जा रही है और उसके ऊपर रूम से हमने सोचा वो होएगा, बट वो नहीं था। थोड़ा और ऊपर आके इनके एप्पल के ट्रीज़ हैं, उसमें भाई 2 रूम बनाए हुए हैं। ये तो ये वाले रूम थे, तो रूम ठीक ठाक था यार, ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं था। बट हो चुके हैं भाई रेडी और आपको लोकेशन दिखाता हूँ। सामने देख सकते हो पहाड़, उस पर बर्फ़। सो आज हम वहीं पे जाने वाले हैं, सो देखते हैं वहाँ पे भी आप भाई आपको जाके खूबसूरत नज़ारे हम दिखाने वाले हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जो है ना व्यू वो एक नंबर व्यू है, बहुत अल्टीमेट व्यू है। वो करते हैं यार अपनी राइड शुरू। और भाई 7:30 हो गए हैं, 6 बजे निकलने का सोचा था, बट एज ऑलवेज हर जगह लेट ही पहुँच रहे हैं। तो करते हैं राइड शुरू, जय बजरंग बली। सो 185 के आसपास डिस्टेंस रह गया अपना, और आज किसी भी हालत में अपने को पहुँचना ही पहुँचना है भाई। और देखते हैं पू आके 35 किलोमीटर के आसपास है, सो पू में चलते हैं, वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। बाकी भूख तो अभी इतनी मॉर्निंग में लगी नहीं है, सो आगे देखेंगे। मस्त सा ब्रिज आ गया सुबह सुबह और धूप भी निकल गई है, मस्त नज़ारे आते हुए मॉर्निंग में। सुबह सुबह ऐसे ऐसे नज़ारे आने लग गए ना, पूरा दिन ही बन गया अपना तो। इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे ऐसे मिलते रहे तो एनर्जी आती रहेगी। ये देख रहे हो रिवर साइड में, क्या बात है। सो 185 का डिस्टेंस रह गया यार अपना टोटल स्पीति का, इसलिए मॉर्निंग में 7:30 हम निकल गए हैं। आगे पू में जाके भाई चाय पियेंगे, फिर देखते हैं। और व्यू देखो आप, व्यू के मज़े लो, बताना वीडियो में भाई मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देख रहे हो चट्टाने कैसी खड़ी चट्टाने हैं, और बाकी तो मज़े चल रहे हैं फुल। धूप आ गई है, अब ठंड भी थोड़ी कम लग रही है, बीच बीच में धूप चली जा रही है तब ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ऐसा कुछ सीन अभी आगा। और जा रहे हैं आगे, 31.2 की एवरेज हो गई है, पहले 31.3 की थी, बुरा मान रही है बाइक भी। चलो कोई नहीं, जाना तो है ही है। बढ़िया परफॉर्म कर रही है यार अपनी CB350 यहाँ पे, अल्टीमेट स्मूथ राइड दे रही है एकदम कम्फर्ट। ये देखो आप व्यू, इस साइड तो थोड़ी हरियाली भी है, आगे जाके खाली पहाड़ आएंगे, सूखे पहाड़ आएंगे। सो बाकी आप देख सकते हैं यार कितने पत्थर गिरे हुए हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ हुआ है, यहाँ पे होता रहता है, इसलिए नाइट राइड अवॉइड करो, ध्यान से अपना केयरफुली ड्राइव करो, नहीं तो भाई ये देखो सामने गाड़ी क्या हाल हो रखा है गाड़ी का। सो अपना केयरफुली ड्राइव करो यार, क्या जल्दी है अपना, इतना बढ़िया व्यू है, इसके मज़े लेते जाओ, घूमने आए हो सेफली घूम के जाओ, ऐसे सुबह सुबह मज़े आ जाए तो और क्या ही चाहिए। और ये आ गया सुंदर सा गेट, ये आप देख सकते हो क्या बात है। और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, उस पर बर्फ़ है ऊपर, ये देख लो कैसे पाइप से पानी आ रहा है, बंदे ने अल्टो धो ली अपनी लोकली यहीं का, क्या ही बात है देखा नज़ारे फिर। तो मतलब रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट, इतना सुंदर आपने कुछ और देखा नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रास्ता है। और रास्तों के ही मज़े होते हैं, बाकी मंजिल पे तो पहुँच ही जाएंगे रास्तों के मज़े लेते लेते। और इस बाइक ने तो भाई दिल खुश कर दिया है अपना यार, बहुत प्यार आ रहा बाइक पे तो बहुत बढ़िया यार, परफॉर्मेंस के साथ उड़ती हुई जा रही है पिलियन के साथ। आए थे हम सोलो थे दोनों अपनी अपनी बाइक्स पे, बट एक का ब्रेक डाउन हो गया, सो एक लगा दिया पीछे रामपुर में पार्किंग में, देन आ
अपनी CV350 में। अब सोचा है इतनी दूर आए घूम के तो जाएंगे ही। भाई पू पहुंच गए हैं और सामने व्यू देखो आप यार, वाइट वाइट स्नो है उस पर भाई पहाड़ों पे। और सो देखो यार नज़ारे कितने मस्त है यहाँ के, ऊपर पहाड़ ख़त्म होने को नहीं आ रहे हैं। काफ़ी आर्मी वालों के ट्रक्स खड़े हैं भाई यहाँ पे, आर्मी एरिया है। सो चाय ब्रेक एक अभी के, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, देन फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं। सुबह सुबह ही आ गया, कोई है भी नहीं यहाँ पे, इतनी सुबह आ गए हैं सर यहाँ पे भी कोई नहीं है। लोकेशन बहुत मस्त है ये देखो भाई, अल्टीमेट लोकेशन, क्या ही बात है। सो देख रहे हो, और यहाँ देखो भाई रिवर, अपनी स्पीति वाली रिवर जा रही है सारी, और यहाँ पे भाई खेत हैं स्टेप वाले। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ऊपर स्नो। गर्मा गर्म परांठे, आलू परांठे करते हैं ब्रेकफास्ट, देन निकलते हैं फिर आगे। यह ब्रेकफास्ट पो में और बच चुके हैं भैया नो, और 147 किलोमीटर आगे काजा रह गया है। 4.5 घंटे हमें इजीली लग जाएंगे जिस हिसाब से हम ड्राइव कर रहे हैं। सो देखते हैं वहाँ पे पहुँच के भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। सो देखते हैं यार, हम ताबों में भी रुक सकते हैं, सो जहाँ पे बढ़िया लगेगा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अपना कि फर्स्ट डे यहाँ पे रुकना है, प्लानिंग कुछ नहीं किया है हमने यार। यहाँ पे तो बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है यार। पत्थर देख रहे हो कितना बड़ा ऊपर से गिरा हुआ है, तो पत्थर वाले पहाड़ है भैया ये। जो टावर्स हैं वो भाई जियो ही चलेगा और या एयरटेल चलेगा, बाकी वोडाफोन सब फेल है यहाँ पे। बस दो ही अभी तक तो सर के पास एयरटेल है, सर का सिर्फ फुल सिग्नल आ रहा है। मेरा जियो है तो मेरा भी मतलब बढ़िया आ रहा था सिग्नल, तो ये दोनों ही चल रहे हैं। बाकी मेरे पास वोडाफोन है वो चल नहीं रहा है। सो यदि आप भी आओ यहाँ पे तो अपना भाई सिम नहीं है जियो का तो जियो का लेके आओ या एयरटेल का लेके आओ भाई। प्यारी सी अपनी स्पीति रिवर चल रही है, ये ख़त्म नहीं होएगी, ये चलती रहेगी हमारे साथ एंड तक जहाँ तक हम जाएंगे। बीआरओ वालों ने यार बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है रोड पे, काफ़ी अच्छी रोड्स बनाई हुई हैं। तो कोई सोच भी नहीं सकता यार ऐसे, मतलब इन रास्तों पे भी ऐसा बढ़िया रोड हो सकती है, ऐसी रोड ही चाहिए बस, मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे भैया, अभी भी काफ़ी काम यार रहता है रोड्स का, चला ही हुआ है साइड बाई साइड। ये देख लो कभी लैंडस्लाइड हो जाता है यहाँ पे, कभी कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है। सो ज़्यादा आप यहाँ पे रुको ना, अपना आगे निकल जाओ। तो देख रहे हो पहाड़ के बीच से भाई झरना आ रहा है, ओहो क्या ही यार लग है, पूरे पत्थर वाले पहाड़ है और ऊपर से झरना निकल रहा है सेंटर में से। वाह क्या ब्यूटीफुल सीन है भाई। तो ऐसे सीन भैया यहीं पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसे ब्यूटीफुल सीन्स देखने के लिए हम आए हैं। वो बाइक ने भाई दिल खुश कर दिया है, सुपर बाइक यार, सुपर बाइक। ऑफ रोड थोड़ा सा, देख रहे हो कैसे पत्थर आ रखे हैं ऊपर से, चट्टाने बड़ी बड़ी टूट कर। ये देखो भाई त्रेड़ आ रखी है, इनमें भी कभी भी नीचे आ सकते हैं ये। यार बाइक सच में भाई बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ पे। सो जो लोग भी भाई लेने की सोच रहे हो ना भाई, बस उठा लो, टेस्ट ड्राइव लो और बुक कराओ, उठा लो भाई और निकल जाओ टूर पे। एकदम मस्त भाग रही है, उड़ती जा रही है, बाइक भी कह रही है उड़ती ही फिरू इन पहाड़ी रास्तों में, ऐसे व्यूज का मज़ा ले रही है हमारी बाइक भी, हमारी तरह फुल रोरिंग करती हुई जा रही है पहाड़ों में। तो यहाँ पे यार मैंने एक चीज़ देखी है, साला कोई भी हॉर्न नहीं मार रहा है जैसे टर्न आता तो। अब एक ब्रिज आ गया है सुंदर सा, ये देखो, ये देखो भाई सुंदर। नाको इज ओनली 14 किलोमीटर लेफ्ट। सो भैया सुबह आने का यही फायदा है और 10 बजने वाले हैं। ओहो वाओ फ्लैग्स, प्रेयरिंग फ्लैग्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। सो सुबह यार हम निकल गए थे 7:30 और काफ़ी कवर कर लिया है हमने। मोस्टली यार 3 आवर्स में तो काजा पहुँच ही जाएंगे जहाँ तक है, बाकी देखते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा ही मज़े लेते हुए गए तो लेट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लो हॉर्न नेट कर्व,
लिखा तो है बीआरओ वालों ने, बट यार कोई हॉर्न बजा ही नहीं रहा है, पता नहीं हम अकेले ही बजा रहे हैं। सो ब्लाइंड कब आ जाते हैं एकदम से यार, उसमें लोग इतनी फास्ट आ रहे हैं ना और हॉर्न तक नहीं बजा रहे ऐसी जगह हुए देख लो। मुन्ना भैया भी फुल चिल मार रहे हैं शोर मचाते हुए पहाड़ों में। मुन्ना भैया ने बहुत साथ दिया अपना, मुन्ना भैया ना होता तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते। सन्नाको रह गया है भाई 12, क्या बात है। तो देख लो सांप जैसी रोड है यहाँ पे, टेढ़ा मेढ़ा सांप नहीं होता जैसे, कोई रह गया स्टिफ चढ़ाई। काजा 115 रह गया है, काजा में पहुँच के आ जाएगा मज़ा। सामने देखो यार बर्फ की पहाड़ियाँ, क्या मस्त मस्त, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी। नाको इज ऑलमोस्ट रीच्ड गाइस, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं और काफी ज्यादा हाइट पे आ गए हैं यार, हाइट ऊपर से ऊपर ही जाए जा रहे हैं। ये देख लो चढ़ाइयाँ बहुत है, एकदम खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पहुँच चुका है यार। अब नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई जितने पहाड़ नीचे से ऊपर लग रहे थे ना, बिल्कुल नीचे से आया यार हम तो। आप तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हाथ थोड़े थोड़े सुन्न होने लग गए हैं। शांगो 22 किलोमीटर रह गया है। ये देखो जैसे ही स्पीड खींचो भाई टर्न आ जाएगा ऊपर, स्टिफ चढ़ाई आ जाएगी। और बाकी ये देखो एक और टर्न, ना जाने कितने टर्न लेने पड़ेंगे अपने को पहुंचने के लिए। और हाइट देख रहे हो, बिल्कुल सामने जो पहाड़ है ना उसके ऑलमोस्ट हम मिड में पहुंच गए हैं, इतनी हाइट हो गई है। और ये देख लो नीचे से पहाड़ कितने ऊंचे दिख रहे थे और अब कितने से रह गए हैं। जैसे थोड़ी सी स्पीड कर रहे हैं टर्न आ जा रहा है, टर्न आ जा रहा है। उन्हें मुन्ना भैया भी फुल चले हुए हिम्मत के साथ भाई। सामने व्यू देखो, ऊपर आसमान मस्त, बर्फ कैसे बर्फ से कवर हो रखे हैं, वाइट माउंटेन्स, खड़ी खड़ी चढ़ाई आ रही है एकदम से स्टिफ वाली। वो तो शुक्र है रोड नहीं होती फिर तो दिक्कत हो जाती भाई। देखो भाई पिलियन के साथ भी अपना मुन्ना भैया एकदम मस्त चढ़ रहा है बिना किसी दबाव से। सो भैया आ गया है ऑफ रोड, देख रहे हो क्या खतरनाक रास्ता है भाई। और 12,000 समथिंग कुछ की हाइट है और बिल्कुल नीचे से आए हैं भाई अपन। सो नज़ारे भाई बहुत मस्त हैं, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए, बस आप देखो और इन्जॉय करो। जैसे ही हम स्पीड अप करते हैं बाइक को वैसे ही आगे टर्न आ जाता है और चढ़ाई आ जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, जैसे जैसे बर्फ़ के पास आ रहे हैं ना ठंड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे तो मोस्टली सेकंड पे ही चल रही है यार, या थर्ड पे चल रही है। सो ऐसा कुछ दिक्कत मेरे को आ नहीं रही है अपने मुन्ना भैया को लेकर, बाकी काफ़ी लोगों को यार शिकायत रहती है लॉन्ग एयर। सो ऐसा मेरे को अभी तक तो भाई लगा नहीं है, मेरा सेकंड टूर है इस बाइक पर। तो प्लेन में तो अभी यार आप साउंड देख सकते हो, सुन सकते हो, बिल्कुल नहीं आ रही है साउंड, बिल्कुल ही जैसे एकदम स्मूथ हो गई है। और जैसे ही चढ़ाई आएगी ना वहाँ पे इसका गेम फुल ऑन चेंज हो जाता है, वहाँ पे मुन्ना भैया शोर मचाते हैं, शोर मचाते हुए चलते हैं। वो देख लो नीचे रिवर कैसे मस्त लग रही है पहाड़ों में, वाह यार उसका ग्रीन ग्रीन सा पानी है, इतना मस्त लग रहा है ना। ओ वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस मैन। ये देख लो इस एक इन पहाड़ियों पे भी कोई ग्रीनरी नहीं है, सूखे पहाड़ है। और लद्दाख साइड भी भाई सूखे ही पहाड़ मिलेंगे आपको।
सो भाई काफ़ी चढ़ाई चढ़ ली पीछे से, और नीचे आप रोड देख रहे हो ना वो वाली, नीचे ही अपन ने जाना है, अब उतराई आएगी, चढ़ाइयाँ बहुत चढ़ ली है। आया भाई ऊपर से, अब नीचे ही आने की बारी आ गई है, काफ़ी चढ़ ली है चढ़ाइयाँ, एकदम नीचे को उतराई। ये देखो वो सामने रोड है वो वाली, उस पर अपन को निकलना है। और पेट्रोल बचा रहे हैं अपन, स्पीति में भी उतराई आ गई है, कर दिया है बंद, और क्योंकि अभी मेरे को लगता है कोई पेट्रोल पंप आगे मिलेगा नहीं, अपने को सीधा काजा में मिलेगा। काजा भाई 100 किलोमीटर के आसपास है, वैसे तो 3 बार्स है, इजीली पहुंच जाएंगे, बट तब भी सेफ साइड होके चलते हैं। सामने स्पीति रिवर, मस्त पेट्रोल, ऐसे ही चलेंगे सर, अब हम चाहे शाम तक पहुँचेंगे ऐसे ही चलेंगे पेट्रोल बचाएंगे, स्पीति में पेट्रोल बचाएंगे। सुमड़ू रह गया भाई 14 किलोमीटर, फ्लावर्स आ गया भाई, एप्पल लगने वाले हैं। कब तक लगेंगे एप्पल सर? अगस्त में, मई जून जुलाई अगस्त, तो 3 महीने के बाद भाई दोबारा आएंगे हम, एप्पल यहाँ से लेके जाएंगे फ्रेश तोड़कर तो कर लिया उन, काफ़ी बचा लिया पेट्रोल, चलते हैं आगे, डिस्टेंस भी कवर करना, अगर पेट्रोल देखते रहे तो भाई हो गया काम, फिर तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे यार सड़क छोटी सी है, चल भाई। ये देखो ब्रिज आ गया सुंदर सा, ये ऊपर को मिनिस्ट्री जा रहा है, ये देखो पोस्ट पे करा लिया है एंट्री, और यहाँ पे भाई रुक गए चाय पीने, और आगे जाना भी 80 किलोमीटर के आसपास भाई डिस्टेंस रह गया है। सो ये खड़े हैं हमारे मुन्ना भैया, मस्त चल रहे हैं। मुन्ना भैया को भी थोड़ी रेस्ट देते हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं अपने साथ, तो पीते हैं चाय, बहुत बढ़िया कैफ़े बनाया हुआ है, पीते हैं भैया चाय और चलते हैं आगे। सो ये देख लो जर्नी ऑफ ए लाइफ, स्पीति वैली पूरा का पूरा भाई मैप बनाया हुआ है। अपन यहाँ से आए भाई चंडीगढ़ से, ये देख लो यहाँ से शिमला होते हुए, फिर नारकंडा, रामपुर में खड़े हैं, रामपुर में सर की जावा लगाई है अपने, उसके बाद भाई यहाँ से आए हम, ये रिकोंगपियू पू नाकू, अभी आगे ताबू आएगा, अभी हम सुमड़ू में हैं, यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं, ताबू आएगा आगे, फिर आगे जाके आएगा काजा, यहाँ पे रुकना अपन हमने। सो पूरा का पूरा मैप यहाँ पे बढ़िया बना रखा है। तो स्पीति रिवर का पानी भाई, अल्टीमेट व्यू। सो अभी चाय पी ली हमने भाई सुमडो में, और जा रहे हैं आगे काजा, टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर रह गया है यार। आज अपना रूम लेके ना, सामान वगैरह अपना लगेज रख के वहाँ पे, देन आगे फिर एक्सप्लोर करने निकल जाएं। और रोड यार काफ़ी ज़्यादा छोटी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, तो BRO वालों ने यार हर जगह ही बहुत बढ़िया काम कर रखा है, चाहे वो रोड हो चाहे वो कैफेज हो, तो लोग भाई दूर दूर से आ रहे हैं टूरिस्ट। सो ऐसा कुछ सीन है यार, जैसे कोई आ रहा है तो साइड में थोड़ा रुकना पड़ता है, सो तो रुकना पड़ेगा ही क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा छोटी है। जा ब्रो तू भी जाओ तू भी जा। आगे एक और आ रही है यार, कितने टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे, सही है भाई, घूमना चाहिए, एक ज़िंदगी मिली है, घूमो फिरो, और क्या ही रखा है ज़िंदगी में। और बाकी हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जो, वो तो हमने यार पहले भी घूमा हुआ है। सो अगर आप हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की वीडियो देखना चाहते हो ना, तो चैनल पे जाके देख लेना भाई, और उस टाइम मैं मनाली वाली साइड से आया था, तो वहाँ पे ही मैंने वीडियोस बना रखी हैं, सो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी यार अगर पूरा स्पीति वैली घूमना ना, कम से कम आपके पास भाई 7 से 10 दिन के बीच टाइम होना चाहिए, तो आप इज़िली एक्सप्लोर कर सकोगे एक एक विलेज को प्रॉपर। क्या ही पहाड़ है, पत्थर है, पत्थरों के पहाड़ है, देखो छोटे छोटे पत्थर कैसे नीचे सड़क में भी बिखरे हुए हैं। सो कभी भी नीचे आ जाते हैं यार, यहाँ पे ऐसा सीन है खतरनाक वाला, और रोड देखो कितनी छोटी सी है, और नीचे फिर भाई ऐसे ही पहाड़ है पत्थर। तो भैया मंजिल का मज़ा ना है, रास्तों का मज़ा है, बाकी रोड एक नंबर है, व्यू एक नंबर है, और बाइक अपनी एक नंबर है, CB 350। पॉपुलेशन सिर्फ 235 है इस विलेज की, क्या बात है, और काफ़ी होम स्टेज है भाई यहाँ पे भी, देखो भाई स्पीति होम स्टे, क्या बात है,
पहाड़ों के बीच में भाई होम स्टे का तो रहने का मजा ही आ जाएगा, खतरनाक वाला। चलते हैं भाई, आगे भी राइडर्स अपने खड़े हुए हैं, फिर आप देख सकते हो दिल्ली से आए हुए हैं। सो राइडर्स थम्स अप करते हुए अपने को, क्या बात है, BMW थी भाई, एक होंडा की थी RS या हाइनेस थी, मैंने इतना देखा नहीं बट थी होंडा की, और एक BMW थी भाई। तो आप भी यार सपोर्ट करो, एक दिन हम भी BMW लेंगे। भैया वेलकम टू ताबो आ चुका है भाई अपना। यहाँ पे भी काफ़ी होम स्टे है, काफ़ी प्यारा सा गांव है, काजा के बिल्कुल नियर बाय। ये देखो भाई ताबो होटल्स, होटल की कमी नहीं है कहीं पे भी, रास्ते में कहीं पे भी भाई होम स्टे आप ले सकते हो। ये देखो ताबो का पोस्ट ऑफिस, देखो स्पीति रिवर कितनी पास आ गई अपने, वाह वाह वाह। सो काफी कम रह गया है अपना यार आगे काजा। सो भैया रास्ते बड़े खतरनाक हैं, रास्ते ऐसे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं आ रहा है, इतनी दूर है। सो ये अपनी सुंदर सी स्पीति रिवर बहती हुई, भाई कहाँ लेके जा रहा है एक्टिवा को, ये कहाँ लेके जा रहा है भाई, भाई नीचे देख लो, नीचे भी है कुछ घरगुर टाइप। तो भाई खेत देख लो कितने अमेजिंग लग रहे हैं यहाँ पे खेत यार, काफ़ी सुंदर सा विलेज, घर देख रहे हो यहाँ पे जैसे ओल्ड स्टाइल होते हैं वैसे से हैं, और यहाँ पे भी पीछे यार होम स्टेज लिखा हुआ था ऐसे। यहाँ पे देख रहे हो पत्थर कैसे भाई सजा के रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है सजा रखे हैं बड़े बड़े पत्थर लाइट भाई सजा रखे हैं, क्या बात है, पहाड़ देख लो। भैया रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने 5 मिनट की, और व्यू देख रहे हो आप भाई क्या अल्टीमेट व्यू है। तो सर का कैंपिंग करने का दिल कर रहा है, और बज चुके हैं भाई 12:50। पहाड़ देख रहे हो कितने यार ऊपर ऊपर तक है, पूरा मुंडी ऊपर गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है दिखाने के लिए। और भाई मेरे को लगता है 35 किलोमीटर आगे काजा रह गया है। सो ये खड़ी है अपनी मुन्ना भैया फुल दहाड़ते हुए जा रहा है, अभी तक तो भाई कोई कमी नहीं लगी है पिलियन के साथ, और एकदम फुल मज़े में। आपको व्यू दिखा देता हूँ, व्यू एक नंबर है, और ऊपर आप देखो सामने भाई है ना, जन्नत से कम नहीं है जगह, ऐसा लग रहा है सर पहाड़ पे ना वाइट पेंट कर दिया होता है, वैसा तो लग रहा है, इतनी शाइनिंग मार रहा है ना स्नो, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ऊपर थोड़ी थोड़ी धूप है, सो सीधा पहाड़ पे गिर रही है, और पहाड़ ज़्यादा हाइट पे है, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है। और भैया कभी अपना मुन्ना भैया फ्यूल बार एक दिखा देता है, टेंशन में डाल देता है, कभी दो हो जाता है। तो भैया फ़ोटो शूट हो रहा है सड़क में लेट लेट के, इतनी सुंदर प्लेस पे तो फोटो शूट बनता ही है भाई। ये क्या बनाया हूँ अबे कैसे पहाड़ है ये देखो यार, कैसे से पहाड़ है, वाह भाई साहब देख रहे हो भाई, पहली बार देखे ऐसे पहाड़ तो यार मैंने, अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ इनका भाई, ऊपर से हल्का हल्का लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर गिर रहे थे, हमने तो निकाल लिया फटाफट। ये छोटे छोटे पत्थर वाले पहाड़ बहुत डेंजर है यार, सो इसलिए अपना केयरफुली आओ भाई, वाले पहाड़ बहुत बेकार हैं यार पत्थर वाले, इनका कुछ करना चाहिए BRO वालों को, कुछ जाली या कुछ लगाना चाहिए यार ताकि पत्थर ऐसे नीचे ना आए, बहुत रिस्की हो सकता है ऐसा तो। ओ भाई पत्थर सेट करती हुई मशीन भाई, खतरनाक ही सीन है यहाँ पे, भयंकर वाला लगी हुई है बेचारी मशीन भी, लैंडस्लाइड हटाने में सेट करने पे लगी है रास्ते को। सो यहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है, ये देखो कहाँ सो रहे बंदे काम करने वाले,
आगे चल रहा है काम। तो यार बीआरओ वाले भी कितना काम करेंगे, रोड बनाते हैं फिर स्लैंड स्लैंड हो जाती है, टूट जाती है, फिर बनाते हैं फिर टूट जाती है, उस वजह से कच्ची रहती है रोड ऐसी, तो काफ़ी डेंजर रास्ते हैं यार। देख लो राइडर सारे घूम के जा रहे हैं वापस, और अपन जा रहे हैं अभी घूमने। फिर से पास आ गई है अपने, देखो कितना मस्त पानी है ग्रीन ग्रीन कलर का, वाओ। और 24 किलोमीटर के आसपास रह गया है, सो चलते हैं और आपको भी घुमाते हैं काजा, आएगा वहाँ पे मज़ा। ब्यूटीफुल लोकेशन आ गई है एक और, सोचा यार आपको खड़के बता देते हैं भाई। ये देखो पानी और ऊपर मस्त पहाड़, और यहाँ पे देखो यार भाई साहब क्या ही नज़ारे हैं, क्या बात है, वाओ। सोचा एक बार खड़के आपको मस्त व्यू दिखा देते हैं। ये देख रहे हो ऊपर में झरना, नेचुरल पानी आ रहा है भाई। ओ भाई वो देखो कितना सुंदर सा झरना है ना, एक नंबर लोकेशन। सो ये छोटा सा ब्रिज आपको हमने दिखाया है, और इस साइड भाई वाटरफॉल सुंदर सा। सो बढ़िया है ना लोकेशन, एक नंबर। सोचा आपके लिए रुक जाते हैं, आपको भी एक बढ़िया सी लोकेशन दिखा देते हैं भाई। मुन्ना भैया को मिल चुकी है रेस्ट, और यहाँ पे आपको दिखाया सुंदर सा झरना, क्या बात है, और ये ब्रिज अपना चल पड़ी बढ़िया। तो अच्छा खासा फ्यूल टैंक है इसका, 15.2 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है, और एवरेज भी यार ठीक ही दिया है पिलियन के साथ 30, और ऐसे ऐसे रास्तों पर तो यार 30 ही देगी, चाहे आप सिंगल हो पिलियन हो, कम हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं होएगी यहाँ पे, क्योंकि इंजन भी 350 cc है। और सामने देख रहे हो यहाँ पे तो 10 दिन भी कम पड़ जाए घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बढ़िया से, हर एक विलेज में एक एक दिन रो मज़ा ही आ जाएगा अपने को, तो बस रास्तों के मज़े लेने हैं, रास्तों के मज़े तो हम ले ही जा रहे हैं। और देखो भाई बर्फ़ नीचे आ चुकी है सारी, ये देखो पहाड़ से ऊपर गिरी थी, और ऊपर से गिरती गिरती नीचे तक आ गया। देखो थोड़ा मुन्ना भैया का भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मुन्ना भैया ने इतना साथ दिया हमारा, फिर खड्डे आ गए खड्डों का नाम लेते ही। सो ऐसी जगह घर बनाना यार, घर देख रहे हो ऊपर आप, सुबह उठते ही विंडो व्यू अपना ये वाला है। क्या मस्त व्यू आएगा यार, पर सरवाइव करना स्टिल बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और अभी 10 किलोमीटर रह गया है साला, 10 किलोमीटर भी ऐसा लग रहा है पता नहीं कब आएगा, आई नहीं रहा यार पहाड़ों के 10 किलोमीटर भी भाई 20 डबल ट्रिपल के बराबर है, तो एक दो दिन के लिए हमारे लिए तो बढ़िया लगता है, लेकिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है यार। देख रहे हो पहाड़, फिर से डिज़ाइन वाले पहाड़ आ गया सामने, क्या बात है। देखो सारे जितने भी पेड़ हैं ना इन पर कोई पत्ता नहीं है, एकदम सूख रखे हैं भाई ये, और इस साइड डिज़ाइन वाले पहाड़, और बीच में सुंदर सी रोड, और अपनी सुंदर सी ग्रीन ब्यूटी CB350 रोरिंग करती हुई। ये देखो भाई घर बना रहा बंदा कितना मस्त, क्या बात है भैया। पहुंच गए हैं द ब्यूटीफुल काजा में, काजा में आप सबका स्वागत है, और नीचे भाई मार्केट है। सो देखते हैं अभी होटल लेंगे, पहले तो इसका फ्यूल फिल कराने जा रहे हैं यार, एक बार रह गया है यहाँ पे तो धक्का भी नहीं लगेगा अगर कहीं यहाँ वहाँ फ्यूल कम हो गया तो। दी प्लेस, सो दिस इज़ द काजा, इसी प्लेस के लिए बच गया है हमारा बाजा, पर आ गया है मज़ा। सो भैया बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये, तो सामने देख रहे हो यहाँ पे रूम ले लो, और पीछे देखो क्या ही व्यू है, अल्टीमेट वाला, अल्टीमेट से भी अल्टीमेट, पहाड़ आसमान को छू रहे हैं पूरे। वेलकम टू स्पीति वैली, यो आ गया देखो, आई लव स्पीति, क्या बात है। तो पेट्रोल पंप आ गई है थोड़ा सा, याद आ गया लास्ट टाइम भी
अपन यहीं पे रुके थे, ये आ गया पेट्रोल पंप। सारे राइडर्स अपने यहाँ पे फ्यूल फिल कराते हुए, क्योंकि यही है, इसके आगे कोई भी नहीं है अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो तो। सो करवाते हैं फिल, फिर देखते हैं यार रूम लेते हैं कोई बढ़िया सा। चौधरी वेल्डिंग शॉप, मैंने कब शॉप खोली यहाँ पे। सो होटल सर्चिंग देखते हैं जहाँ पे पार्किंग। मुन्ना भैया को भी सेफ साइड रखना है। सो ये देखो सामने जन्नत, आज का दिन हम जन्नत में रुकेंगे भाई, विश्राम गृह का जाओ। होटल ढूंढते ढूंढते हैं तो बहुत है, बट पूछा ही नहीं हमने अभी तक किसी से, वैसे जो अच्छा लगेगा। काजा की गलियाँ है, काजा की गलियाँ आगे नहीं जा रहा रास्ता सर, जा रहा है। तो गाइस ले लिया हमने अपना रूम, और रूम दिखाते हैं आपको। काजा में आए, काजा की मार्केट में, तो सारा भाई वुडन है ऊपर से नीचे तक, ये आप देख सकते हो ये बेड और ये अपना चेयर्स वगैरह। यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी भी है, और नीचे हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, यहाँ से दिख रही है। सो पूरे वॉशरूम देखो भाई, वॉशरूम मस्त है। सो देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, थक गए हैं अभी, देखते हैं जैसा भी होगा, और जहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे आपको दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। पूरे रूम हमें पड़ा है यार 2200 का पड़ा है, सो 2500 बोल रहा था पहले, बट थोड़ा कम कराया, सो 22 का इसने बोला है। सो देखते हैं जहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड।